कनखजूरा, जिसे अंग्रेजी में सेंटीपीड कहा जाता है, एक छोटा लेकिन काफी डरावना जीव है। यह ज्यादातर गर्म और नम क्षेत्रों में पाया जाता है। कनखजूरा के शरीर पर कई जोड़ी टांगें होती हैं, जो इसे तेजी से चलने और संकरे स्थानों में घुसने में सक्षम बनाती हैं। हालांकि यह जीव बहुत छोटा होता है, लेकिन यह कई लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर अगर यह गलती से किसी के कान में घुस जाए। इस वीडियो में हम कनखजूरा के खतरों और इसके कान में घुसने पर संभावित प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कनखजूरा के शरीर की लंबाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ इंच तक हो सकती है। यह एक मांसाहारी जीव है जो छोटे कीड़े मकौड़ों का शिकार करता है। कनखजूरा के जबड़े में विष होता है, जिसे वह अपने शिकार को मारने या बचाव के लिए उपयोग करता है। हालांकि अधिकांश कनखजूरा का विष इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता, लेकिन यह दर्दनाक हो सकता है और कभी कभी एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। कनखजूरा की खतरनाकता इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का कनखजूरा है। कुछ कनखजूरा अधिक विषैले होते हैं, जबकि कुछ कम। इसलिए अगर यह किसी के कान में घुस जाए तो इसके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। कान एक संवेदनशील अंग होता है और किसी भी बाहरी वस्तु का इसमें प्रवेश करना काफी असुविधाजनक और खतरनाक हो सकता है। अगर कनखजूरा कान में घुस जाए तो निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। कनखजूरा का कान में घुसना बेहद दर्दनाक हो सकता है। इसकी टांगों और शरीर की हरकतें कान के अंदर खुजली, जलन और दर्द पैदा कर सकती हैं। कनखजूरा के कान में होने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह कान के अंदरूनी हिस्से में सूजन और अवरोध पैदा कर सकता है, जिससे अस्थायी बहरापन या सुनने में कठिनाई हो सकती है। कनखजूरा के काटने से कान में संक्रमण हो सकता है, खासकर अगर वह काटने में सफल हो जाए। यह संक्रमण गंभीर हो सकता है और इसके लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। कनखजूरा के विष के कारण कान में जलन, सूजन और लालिमा हो सकती है। अगर व्यक्ति को कनखजूरा के विष से एलर्जी हो तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है, जिसमें चक्कर आना, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। कान में कनखजूरा का होना मानसिक तनाव और घबराहट पैदा कर सकता है। यह अनुभव व्यक्ति के लिए बेहद डरावना हो सकता है, जिससे अनिद्रा और चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर कनखजूरा कान में घुस जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले शांत रहें और घबराने से बचें। घबराहट में किए गए गलत कदम स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। कान में कुछ बूंदें गर्म तेल, लेकिन बहुत गर्म नहीं, जैसे जैतून का तेल या नारियल का तेल डालें। इससे कनखजूरा को बाहर निकलने में मदद मिल सकती है, क्योंकि तेल उसकी श्वसन क्रिया में बाधा डालता है। अगर कनखजूरा कान में ही रह जाए या आप इसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर कान को सुरक्षित रूप से साफ कर सकते हैं और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। कनखजूरा को निकालने के लिए खुद से कोई नुकीली वस्तु कान में डालने की कोशिश न करें। इससे कान की अंदरूनी संरचना को नुकसान पहुंच सकता है और स्थिति और भी बिगड़ सकती है। कनखजूरा एक छोटा लेकिन खतरनाक जीव हो सकता है, खासकर जब वह कान में घुस जाए। यह अनुभव शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति में त्वरित और सही कदम उठाना आवश्यक है।